जय सत्यम सिद्धायनम है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी देखेंगे कि हम जितने भी 87 मिशन के भक्त हैं, आज हम सभी योग दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप सभी भी, मेरा अनुरोध है आपसे कि जहां भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जैसे भी हैं, सभी लोग योग कीजिए। क्योंकि देखिए, योग पद्धति जो हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति है, संसार में बहुत सारी विधियाँ हैं जिसके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन जो इसका मुख्य तौर पर मनाए जाने का कारण है वो यही है कि जो हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता है वो बची रहे हम लोगों के बीच। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग योग करें, योगासन करें, प्राणायाम करें। इसके अंदर बहुत सारे तरीके के आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, जिसके माध्यम से आप ईजिली खुद को हेल्दी रख सकते हैं। तो आप सभी देखेंगे अब कि हम सभी सेलिब्रेट करेंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम वगैरह करेंगे। और आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि अब जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, योगासन जरूर कीजिए, इंडल जरूर होइए योगा में। ये हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता है, इसको बचाना हमारा फ़र्ज है, हमारा कर्तव्य है। अब मैं कुछ आपको योगासन करके दिखाऊंगा, तो आप उन्हें देखिए, सीखिए और स्वास्थ्य लाभ पाइए। Thank you.
तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी जो भी मैंने योगासन करे हैं उन सबके अपने अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने देखकर सीखने की कोशिश की होगी, साथ के साथ अपने जीवन में आप इन्हें अप्लाई भी करेंगे और इनसे जो भी लाभ मिलते हैं उन्हें आप सभी लाभ को पाएंगे। तो धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए प्रैक्टिस और आप इसके क्लाइमेक्स पे भी पहुँच जाएंगे, बस बात है शुरुआत करने की। और ये बहुत ही ईजी तरीका है आपको स्वस्थ रखने के लिए खुद को, ठीक है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नई पेशकश के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, रही क्रिया योग करते रहिए, ध्यान करते रहिए, सेवा तप और दान भी करते रहिए। जय सत्यम सिद्धाय नमः।